नमस्कार दोस्तों, शिवानी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, आज हमने धोती सलवार बनाने जा रहे हैं। 5 साल की लड़की के 1.25 मीटर कपड़ा लेकर हमने 5 साल की लड़की के हम धोती सलवार बनाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने 2 तह कपड़ा लिया है 1.25 मीटर, और इसका मोड़ने का तरीका देख लीजिएगा। हम 2 तह पूरे बराबर रखेंगे। ये देखिए 2 तह हम बराबर रखेंगे, और इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से हम ऐसे कोना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कोना लिए। ये देखिए हमने इस तरह से हम कोना बना लिए, और ये देखिए ये जो बचा है, ये देखिए 7 इंची जो हमको बच रहा है, इसका हम कमर पट्टी बना लेंगे। अब हमने ड्राइंग बनाकर बताने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच और लंबाई 7 इंची, सीट का लंबाई हमने 7 इंची ले ली है, सीट का लंबाई 7 इंची और सीट की चौड़ाई 1 इंची, और इस तरह से हमने इसको मिला देंगे और हल्का इस तरह से हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए, और फिर यहाँ हम आधा इंची, ये देखिए आधा इंची ले लेंगे, और आधा इंची लेकर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और फिर हम यहाँ, ये देखिए ये मोरी हो गई, यहाँ से हम छठी बच्ची है 5 इंची मोरी ले लेंगे, दोनों तरफ से 5 ले लेंगे, और हम इस तरह से मोड़ कर इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब हमने इसको कटिंग करके आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने पहले इस तरह से निकाल देंगे, कमर पट्टी निकल जाएगी। ये देखिए ये कमर पट्टी का कपड़ा निकल गई है, ये कमर पट्टी का कपड़ा निकल चुकी है। अब हमने इसको छटाई कर देंगे, सीट की लंबाई को हम छटाई कर देंगे। ये देखिए सीट की लंबाई हमने छटाई कर दी, और ये जो आधा इंची लगाए हैं, ये देखिए इसको हम छटाई कर लेंगे। और हमने यहाँ कट का दाग लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ कट का दाग लगा लिए। अब हमने इसको इस तरह से खोल लेंगे, ये जो बंद भाग है इसको हम खोल देंगे। उल्टा पड़ रही थी दोस्तों, ये देखिए खोल दिए। ये देखिए दोस्तों ये मोड़ी हो गई, इसको हमने इस तरह से ऐसे मोड़कर, इस तरह से ऐसे मोड़कर यहाँ तक हमने एकदम पतला से इस तरह से हम सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिल लेंगे, और ये सीट की लंबाई हो गई, इसको हम इस तरह से, ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सिल देंगे, और यहाँ से हम चुन करेंगे इस तरह से हम चुन करेंगे। ये देखिए सीट की लंबाई है किधर है, इसको भी हम सिल देंगे। ये देखिए
ये कोना भी है, ये सीट का लंबाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सीट का लंबाई हो गई। अब चलिए दोस्तों हम कमर पट्टी काट कर दिखाते हैं। ये देखिए कमर पट्टी का कपड़ा बचा हुआ है जिसको हमने सीट का लंबाई हम यानी कि कमर का चौड़ाई हम 18 इंची लेंगे और लंबाई 7 इंची है और इस तरह से हमने इसको काट लेंगे। ये हो गई दोस्तों, अब हमने कमर पट्टी को इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे, कमर पट्टी इस तरह से हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हमने सिलकर बताते हैं। ये देखिए कमर पट्टी हमने सिलने जा रहे हैं। पहले हम ऊपर से 1.5 इंची बना लेंगे और ये देखिए नीचे से, और बीच में हम 1 इंची डोरी डालने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये देखिए कि डोरी डालने के लिए हमने छोड़ दी है। अब हम दोनों तरफ से इस तरह से मोड़कर सिल देंगे। देखिए फिर हम इधर से भी मोड़कर इसको सिल लिए। अभी ये देखिए इस तरह से कमर को मोड़ लेंगे। ये देखिए कमर पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए कमर पट्टी तैयार हो गई है, ये डोरी वाला भी हो गई है। अब हमने इसको कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये पीछे का कट हो गई और ये आगे का हो गई। अब हम इसको 4 तरह करेंगे। 4 तरह करके हम यहाँ कट लगाएंगे। देखिए दोस्तों 4 तरह करके हम यहाँ कट लगाएंगे। चुन्नट के लिए हम यहाँ से चुन्नट बनाएंगे। ये देखिए हमने पहले आसन जोड़ेंगे। हमने पहले आसन जोड़ के अब हमने इस पर चाट कर देंगे। ये देखिए हमने मोजे सिलेंगे। ये देखिए हमने 5 इंची का कट का दाग लगाई है। अब हमने इस तरह से मोड़कर सिलाई कर देंगे।
और हम फिर इधर से भी सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलिकॉन 5 इंची हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने आसन सिल दी और ये देखिए 5 इंची हमने गुड़िया सिल दी। अब हमने इसको कमर पट्टी में सेट करेंगे। ये देखिए आसन बीचे बीचे हो गई है। इधर का चुनी इधर बनेगा, ये देखिए इस तरह से, और इधर का भी बनेगा इस तरह से। और ये देखिए अब हम इसको कमर पट्टी में सेट करेंगे। आगे का है ये, और ये कट का दाग पीछे का है। इसको हम आगे पीछे पहले हम इसको सिल लेंगे। आगे पीछे हम पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद बीच से चुन बैठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले हम आगे पीछे से, आगे और पीछे दोनों जोड़ लेंगे पहले। तो हमने इतना आगे जोड़ ली और फिर हम पीछे भी हम जोड़ लेंगे। देखिए कट का दाग पीछे है, इसमें भी हम पीछे से भी हम जोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आगे पीछे हो गई है। अब हम ये देखिए चुन बैठाने का कट यहाँ पर है, और ये देखिए ये कट है। ये कट से ही कट मिला के हम चुन बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने चुन बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। पहले हम एक चुन बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए कमर पट्टी को साथ में लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। और बाकी के चुन को हम बनाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से चुन बनाएंगे। पीछे के आसन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उधर से उल्टा पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोती सलवार का चुन बन चुकी है। अब हमने चाप कर देंगे। ये देखिए अब हम साइड जोड़ देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने साइड जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने साइड जोड़ देंगे। Thank you.
देखिए हमने कमर पर चाप कर दी है। ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सा। ये देखिए सर चुन्नट आ गई है। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सा सब चुना गई है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।